नमस्कार, मैं मयूर जोशी, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। और कांग्रेस के अंदर दावेदार लगातार अपने आवेदन करते जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज जिलाध्यक्षों को आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई जो 27 तारीख तक चलेगी। इसी कड़ी में कुणाल जी प्रभाकर, जिन्होंने ब्लॉक में भी किसी के मार्फत आपने अपना वो पहुंचवाया था आवेदन, पर आज आप स्वयं जिलाध्यक्ष जी के पास जाकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करके आए हैं। आप स्वयं दावेदार हैं या आप मानते हैं, आपके साथ वाले मानते हैं, पर पार्टी आपको प्रत्यक्ष क्यों बना है, दावेदार से प्रत्यक्ष क्यों बना है, इसके लिए आपने संगठन में अब तक ऐसे क्या कार्य करे? देखिए मयूर जी, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, दूसरा मैं विगत 20 वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ और मैं दो बार भारतीय युवा कांग्रेस का महासचिव भी रह चुका हूँ इसी उदयपुर शहर से, एक बार मनोनीत और एक बार इलेक्टेड। उसके अलावा भी मैंने बहुत जगह पार्टी के लिए काम किया, वल्लभ नगर, मावली, उदयपुर शहर, सब जगह मैं कांग्रेस के लिए काम करता आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार पार्टी हमारी तरफ भी देखे, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ भी देखे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रत्याशी बनाया जाए। जी, मतलब आपने संगठन में काम करा है, यूथ कांग्रेस का चुनाव मनोनीत भी है, लड़के भी आप जीते हैं, इस वजह से पार्टी आपको मौका दे। और स्थानीय आपकी बात, पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर आपकी बात करें तो आप स्वर्गीय हनुमान प्रसाद जी प्रभाकर साहब के आप पोत्र हैं, जो राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री थे और मावली से बहुत बड़ा नाम है हनुमान प्रसाद जी प्रभाकर, और इंटक के बहुत बड़े नेता है राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। जी, उसी के समांतर अगर आपने तो उदयपुर से भी दावेदारी करी और मावली से भी दावेदारी करी, तो मावली से तो अभी वर्तमान में जो इंटक के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी वहां से दावेदारी करी। देखिए, दावेदारी करना सबका हक है जी, और उदयपुर मेरी मातृभूमि जी, मावली मेरी कर्मभूमि जी, इसलिए मैंने दोनों तरफ से दावेदारी जी। मावली में मेरे दादाजी 1980 से 1990 तक विधायक रह चुके हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं और इंटक के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, राजस्थान कांग्रेस के वो उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उस कारण से मावली हमारी कर्मभूमि होगी। और उदयपुर में मैं रहा हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने यहाँ के कले काम किया है, इसलिए मैं यहाँ से भी स्थानीय हूँ, तो मैंने दोनों तरफ दावेदारी करी। और रही बात जगदीश जी की, तो जगदीश जी बहुत सीनियर है, उनका भी हक बनता है सब तरफ से दावेदारी करने का और हमारा भी बनता है, और जितनों ने भी करी है सबका हक बनता है जी। अभी छोटी सी बात बताए, मान लीजिए अगर आपको दावेदार से प्रत्यक्ष रूप में कांग्रेस तय करती है दोनों ही सीटों में से किसी, तो मूलभूत मुद्दे क्या रहेंगे जिन पर काम करना चाहते हैं? देखिए, उदयपुर में तो अगर होता है सबसे पहले तो जो हालत नगर निगम ने करी है शहर की, पार्षद या महापौर का चुनाव लड़ते हैं, पार्षद महापौर और पार्टी के अध्यक्ष विधायक सब इन्हीं के रहे हैं जी, ठीक है। और अभी तो पार्टी का इलेक्शन जो पार्षद का आप कह रहे हैं वो दूर है, तो पहला स्टेप हमारा ये, जिसको भी मिलेगा स्थानीय में हम उसके साथ हैं, ठीक है, पार्टी को हम जिताएंगे, उसके बाद हम नगर निगम का देखेंगे। और रही बात मावली की, तो मावली में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अब आप स्कूल्स का देखें तो स्कूल के लिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ कर दिया, अब पानी की सभी समस्या सबसे ज्यादा मामले में है आज की तारीख जी, तो उस पे हमारा सबसे पहला काम रहेगा। पानी की समस्या की बात करें तो किंग सेना ने विशाल आंदोलन करा था। और कल की घटना है कि कल की बात है कि गगन सिंह जी जो है किंग सेना के सुप्रीमो, वे स्वयं बीजेपी में आ गए, तो ऐसे में अब ये मुद्दा तो बीजेपी ले गई अपनी तरफ, मुद्दे ले जाना अलग चीज है, 10 साल से बीजेपी वहां पे है, क्या किया उन्होंने पानी के लिए, क्या किया उन्होंने बताइए, उनके विधायक रह चुके हैं 10 साल से वो लोग हैं, अगर वो ये कहते हैं कि भाई हम नहीं देते, भाई पहले तो वसुंधरा जी के साथ भी थे ना वो जी, तब भी उन्होंने कोई मदद नहीं करी मामले की, तो ये बात है कि आप ये नहीं कह सकते कि वही मुद्दा वो ले गए, मुद्दा ले जाने से क्या हो, काम किसने किया, आप 80 से 90 तक का मामले उठा के देखिएगा और आज का मामले उठा के देखिएगा कितना काम हुआ आपको भी पता पड़ जाएगा। रबड़ी की मिठास फीकी होती जा रही है मामले की रबड़ी की मिठास तो होगी वही है जी, अब लोगों का टेस्ट चेंज हो गया जी। अच्छा, एक बात बताए कि मान लीजिए कि किसी कारणवश कांग्रेस आपको प्रत्यक्ष नहीं बनाती और किसी बाहरी को मौका देती है, तो एज ए इंडिविजुअल कुणाल प्रभाकर का क्या स्टैंड रहे? इसमें मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, दादाजी के हमारे जब स्वर्गीय प्रभाकर साहब का टिकट 95 में काटा गया था जी, तब वहां के लोगों ने भी आके बोला था कि आप मुझे नहीं जी, तब भी उन्होंने मना कर दिया जी। दादाजी के स्वर्गवास होने के बाद दिलीप जी मेरे ताऊ जी जो प्रधान भी रह चुके हैं मामले, उन्होंने भी टिकट मांगा, उनका भी काटा गया, तब भी लोगों ने बोला था आप आओ निर्दलीय आओ हम आपके साथ, तब भी उन्होंने पार्टी से गद्दारी नहीं करी,
पार्टी से गद्दारी कभी नहीं करी जाएगी, बस शर्त है स्थानीयों को मौका दिया जाए। क्योंकि मेवाड़ के अंदर या जिला उदयपुर के अंदर बहुत ऐसे नेता हैं जो काबिल हैं, किसी भारी की जरूरत उदयपुर कांग्रेस को शायद तक नहीं जी, ठीक है। और अगर भारी से भेजना है तो फिर वही डिसाइड कर ले, फिर हमारे को क्यों मेहनत करेंगे, बात बोल। तो भारी के दम पे कोई आदमी टिकट तो ले आएगा, पार्टी टिकट देने तक ही सीमित थोड़ा, वो तो चुनाव जीतने के लिए लड़ते, बिना कार्यकर्ताओं कैसे जीते, कैसे जीते भाई। कार्यकर्ताओं का आप नाराज कर रहे हो, हमसे 20 साल मेयर को हो गए और मेयर से पहले भी बहुत सीनियर्स हैं जिन्होंने 50-50 40-40 साल से इस कांग्रेस की सेवा करी जी, उनका हक कैसे मारा जा सकता है। आप ये बताइए, बाहरी को लाना मतलब आप उदयपुर मेवाड़ के कांग्रेस की आप बेइज्जती कर रहे हैं, या हम काबिल नहीं। एक अंतिम सवाल, राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकली थी भारत छोड़ो यात्रा, उसका युवाओं के ऊपर और देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि कई बार हमने देखा है उस यात्रा के बाद राहुल जी के अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस भी देखने को मिला, उनकी शैली, उनकी बातचीत का अंदाज, हर तरह से वो बिल्कुल विभाग और एक वेल प्रिपेयर्ड नेता लगते हैं। अब उसके अंदर तो सर ऐसा है, जब तक आप जमीन में नहीं जाएंगे तब तक आपको हकीकत नहीं बता सकते। और राहुल जी ने जो स्टेप लिया था भारत छोड़ो यात्रा का, वो बेस्ट उनके लिए इसलिए था क्योंकि उन्होंने भारत को करीब से जाना, और उनके साथ युवा भी जुड़े, उनके साथ मजदूर भी जुड़े, उनके साथ घर के जो फीमेल्स होती हैं उन्होंने भी देखा कि ये बंदा हमारे लिए काम कर रहा है, उन्होंने हर जगह हमारी लड़ाई लड़ी आम जनता की। तो उससे राहुल जी को तो बहुत इफेक्ट पड़ा ही, और उनकी छवि भी सुधरी है, और उनको जो बोलने का तरीका और जो बदला है वो सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के, जो पैदल चले वो इतना 3000 किलोमीटर उसका बहुत बड़ा है। 20 सालों से उदयपुर में कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही, और 10 सालों से मावली में अपनी जमीन तलाश रही, और पिछली बार भी यहाँ से भी गिरधर व्यास जी को इतनी सीनियर लीडर होते हुए भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। क्या अगर आपको मौका मिलता है, क्योंकि युवा चेहरे पर दाव, क्योंकि राहुल गांधी जी की बात स्पष्ट थी युवाओं को और महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, अगर आपको मौका मिलता है तो क्या इन दोनों सीटों पर जीत के लिए आश्वस्त कर पाएंगे? देख, आश्वस्त तो हम हर तरफ से हैं इस बार, चाहे से मामली हो, चाहे से उदयपुर हो, चाहे से पूरा जिला आप ले लीजिए, चाहे से राजस्थान ले लीजिए। बात यह है कि आप मेरे से पर्सनली पूछ रहे हैं कि मैं आश्वस्त कर पाऊंगा, तो मैं 100% आश्वस्त कर पाऊंगा। जीत की बात जहाँ तक है वो तो जनता के हाथ में है, हमारे हाथ में, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, ना यहाँ के लिए ना वहाँ। ठीक, धन्यवाद।